गुड न्यूज फॉर ट्रेवलर्स, अगर आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हैं जुलाई 2022 में, लाउंज में हम आ गए। अच्छा यहाँ पे बैठे हो? हाँ सिगरेट। अच्छा ये रूम तो देख लिया, लेकिन ये देखे यार, ये हमारा वॉशरूम है, और अभी कौन जाएगा वॉशरूम में? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। सीन कुछ और है, सब कुछ दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं रेडी हो चुका हूँ अभी निकलने के लिए, और हमारी फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है, और फैज भाई अभी नहीं निकले यार, भाई लेट हो गया, जल्दी चलो यार। निकल गया भाई। चलो चलो जल्दी यार, काफी टाइम हो गया। अच्छा भाई ये अभी हमारे लगेज रेडी हो चुके हैं, और अरे यार वो लेट तुम करवाए, काफी टाइम हमें वेट करवाया, अभी चलो। ओके जानी, ये हम लोग ने लेट नहीं किया है, तुम खुद तो लेट हुए हो कब से, तुम लड़कियों की तरह तैयार होते हो तुम। अच्छा और आप? और दूसरा समी की वजह से। मैं तो आ गया हूँ, मैंने कौन सा लेट किया आप लोग? नहीं यार तुमने लेट किया। अच्छा अभी तारक रोड जाएंगे, पहले अपना वहाँ से जो है ना पैसों को एक्सचेंज करते हैं। हाँ मनी एक्सचेंज करते, क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ फिर वहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं होती, और एक्सचेंज बहुत ही बुरा रेट मिलता है, तो पहले चेंज करते हैं, फिर आपको आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करें। हम दोबारा अभी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। भाई के दोस्त हैं, कैसे आप? ये फाइनली हम लोग पहुंच गए। अच्छा अभी हम पहुंच चुके हैं और इंटरनेशनल डिपार्चर पे, और आगे हम आपको दिखाते हैं। चेकिंग हो गया और अभी बोर्डिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अभी ड्यूटी फ्री शॉप के बाद अभी दास भाई हमें प्रोटोकॉल देते हुए अभी हमें गेट पे क्रॉस करवाएंगे, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह। तो ये है 26 में हम आ गए। अभी काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे फ्लाइट को घंटे लेट के बाद पहुँचाए, और अपना ब्लॉग कर दिया। हम अराइव कर चुके हैं, और अभी आगे जाएंगे, अपने इमिग्रेशन करवाएंगे और एयरपोर्ट के बाहर, और अपना होटल दिखाएंगे आपको, ठीक है। गुड न्यूज़ फॉर ट्रैवलर्स, अगर आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हैं जुलाई 2022 में, तो मज़े की बात यह है PCR और ताई पास और करंतीना ये सब ख़त्म हो चुका है, सिर्फ वीज़ा लेके टिकट लेके आपको आना, ताई में आपको इंट्री मिल जाएगा ज़बरदस्त। और मैं अपना ताई में एंटर हो चुका हूँ, और आगे की ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। भाई ये भाई हमें लेके जा रहे हैं, स्मोकिंग एरियाज बहुत कम होते हैं, और इस भाई ने हमारे यार की स्मोकिंग के एरिया। यो यो यो, 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 यो।
तो मेरा रिकमेंडेशन है, आप जब भी बैंकॉक आए तो आप यूज़ करें मेट्रो, क्योंकि मेट्रो का एक व्यू बहुत खूबसूरत होता है, वो चीप भी होता है, और अपना डेस्टिनेशन देखिए कौन सा स्टेशन नज़दीक पड़ता है आपका होटल, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट देके अपना टोकन ख़रीद सकते हैं, फिर इसी पे आप ट्रैवल करेंगे ट्रेन में। एग्ज़िट करूँगा और एग्ज़िट करने के बाद टैक्सी लूँगा अपने होटल के लिए, क्योंकि आप गूगल मैप के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़िट स्टेशन पर आप एग्ज़िट करेंगे और टैक्सी लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंशन करता है आपका अपना होटल का एड्रेस जब आप डालते हो। लेकिन ये देखे यार, ये हमारा वॉशरूम है, और अभी कौन जाएगा वॉशरूम में? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। सीन कुछ और है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो वॉशरूम आएगा फिर उसके बाद ये फैसिलिटी दी हुई है। बताऊं, अभी मैंने चेंज किया है और चलते हैं बाहर। और इसका रिव्यू करवाता हूँ आपको, इसके बाद मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि थाईलैंड में आप कैसे बिजनेस कर सकते हो कम से कम पैसों में। आप थाईलैंड में अगर विजिटर आते हो तो कम से कम आप एक ऐसे होटल्स भी हैं जिसमें पाकिस्तानी 1000 रुपये पर नाइट, 1000 रुपये में आपको कराची इस्लामाबाद मतलब कहीं भी आपको ऐसी रूम नहीं मिल सकेगा। मैं आपको वही दिखाऊंगा, ट्रैवलिंग की जितनी भी अपना नॉलेज आपको दूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नसीब रहसानी को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस ब्लॉग्स होंगे वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।